हेलो मेंबर्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एंड हमशा अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं और प्रिपेयर है मार्केट के लिए। मार्केट का जो नेक्स्ट वीक आने वाला है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज लेके आने वाला है, और उन अनसर्टेनिटीज के बाद में एक अच्छा मोमेंट आपको देखने के लिए मिल सकता है, वन साइड मोमेंटम, क्योंकि काफ़ी टाइम से एक बहुत नैरो रेंज में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। और आई एम श्योर मेरे हिसाब से तो भाई ब्रेकडाउन आने वाला है। मुझे लग रहा है कि निफ्टी एटलीस्ट 15,400 टेस्ट करना चाहिए जल्दी ही। लेकिन मैं यहाँ आप लोगों के लिए निफ्टी के बारे में बात करने नहीं आया, मैं एक बहुत शानदार स्टॉक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और आपको पता ही है गेम चेंजर्स के, स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स कैसे रहते हैं, कंटिन्यूसली हम हिट लगाते जा रहे हैं। हिट्स बहुत लंबी हो गई, लिस्ट बहुत लंबी हो गई, एंड आई एम श्योर आप एंजॉय कर रहे हैं। वो लिस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले बस थोड़ा सा एक व्यू देना चाहता हूँ मेरा, जो मुझे लग रहा है निफ्टी पे होना चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बाकी तो आप स्वतंत्र हैं अपने अकॉर्डिंग ट्रेड करने के लिए। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि निफ्टी में एक अच्छी गिरावट शायद आप लोग देख सकते हैं, तो मैं बस वही थोड़ा सा व्यू आप लोगों को देना चाहूंगा कि क्यों मेरे मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि निफ्टी गिर सकता है। एक छोटा सा ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि प्रीवियसली भी रहा है सेम लेवल के पास से, लेकिन मैंने हल्का सा उसको रिमूव कर दिया था। अगर पॉइंट्स को थोड़ा सा मैचअप करने की आप कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं निफ्टी आपको ब्रेक डाउन करता हुआ दिखाई देता हुआ दिखाई देगा, मतलब एक सिंपल स्लोप ट्रेड पे जाता हुआ। और उसके नीचे एक हमने डोजीज टाइप का कैंडल बनाया है, स्पिन टॉप या फिर स्पिन स्टार भी बोल सकते हैं, और ब्रेक लाइन ट्रेंड लाइन के नीचे हमने बनाया है कंटिन्यूअसली फॉलो अप, जहां से हम ले रहे थे उसके नीचे हमने बनाया है। मोस्ट प्रोबेबली लग हो सकता है कि मार्केट यहाँ से यू टर्न ले ले और तेजी से नीचे की तरफ आना शुरू कर दे। तो 15,640 के नीचे एक अच्छी सेलिंग है, इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि 15,640 अगर ब्रेक करता है इजिली 15,004 तो आपको देखने के लिए मिलना चाहिए। ये लेवल भी अगर ब्रेक किया, क्योंकि हमारे पास इसके बाद एक्सट्रीम सपोर्ट जो बन रहा है ये लेवल बन रहा है, अगर इसको ब्रेक किया तो 15K की तरफ हम जाएंगे। लेकिन अभी इतनी बातें नहीं करेंगे, अभी सिर्फ 15,400 मेरे माइंड में चल रहा है। MACD भी कहीं ना कहीं झुकाव नीचे की तरफ, दोनों लाइन के बीच का जो विड्थ है वो बड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। स्टोकास्टिक हल्का सा ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, ऐसा क्यों इंडिकेशन दे रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है कि ये फोर्थ इंडिकेशन है, ये जो ब्लू कलर की लाइन आई है ये यहाँ होना चाहिए। अगर ऐसा है ये लाइन यहाँ है, जो कि कल मार्केट ओपन होने के बाद पता चल जाएगा, तो डेफिनेटली एक 15,400 टेस्ट होना चाहिए। सिमिलर 2 मिनट में लूंगा सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए। 15,071 के पास क्लोज किया है बैंक निफ्टी ने। 1 आवर्स के फ्रेम की तरफ अगर मैं आपको लेके चलूं तो कंडीशंस जो हैं बहुत ही टफ हैं, मतलब बैंक ने बहुत तेजी से पुल बैक किया और फंसा के रखा लोगों को, मुझे भी फंसा के रखा। एक अच्छा कर्व बनाया था हमने, एक अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूअसली चलता आ रहा था, लेकिन लाइक डबल टॉप टाइप की कंडीशन 1 आवर्स के फ्रेम में। और ये ब्रेकडाउन लाइन उसकी आप देख सकते हैं क्लियर, और उस ब्रेकडाउन लाइन के नीचे कहीं ना कहीं हम ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोशिश की है बुल्स ने, कोशिश की है नो डाउट, दो बार कोशिश की है, दोनों बार फेलियर रहे। और 200 MA एज वेल एज 50 SMA जो है दोनों फ्लैट हो गए हैं, तो डेफिनेटली फ्लैट हो गए थे। बड़ा मोमेंटम आना ही आना है मार्केट में। अभी 35,090 लास्ट क्लोज दिखा रहा है, अगर हम बिलो 200 की ओपन करते हैं, और बिलो 200 आ रहा है मेरा 35,040 के नीचे, अगर मैं इस लेवल के नीचे ओपन करता हूँ कल और इस लेवल के नीचे ट्रेड करता हूँ, 34,500 आपको इंस्टेंटली देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। ये आप नोट करके रख लीजिए, कल की बात मैं बता रहा हूँ। बाकी अगर गैप अप हुआ या फिर बहुत ही अच्छा ओपन हुआ, क्योंकि बुल्स जो है सिर्फ गेम में वापस आएंगे 35,200 प्लस के बाद ही, अदरवाइज बाकी गेम अभी बीएस का ही है, तो 34,500 आपको बहुत आराम से देखने के लिए मिल सकता है। डिपेंड करेगा कि कल की ओपन क्या होता है, अगर 35,200 के ओपन होगा तब मैं प्लान करूंगा अपसाइड जाने का, और 35,040 के नीचे होता है डेफिनेटली मैं कॉन्फिडेंटली बियर साइड जाना चाहूंगा,
इसके बिटवीन होता है तो डेफिनेटली मार्केट जो है आपको फिर से पकाने वाला है और बुरी तरह से फंसाने वाला है, तो बेटर रहेगा कि इस रेंज में ट्रेड नहीं करेंगे। और आज की निफ्टी की बैंक निफ्टी एनालिसिस की सेवा यही समाप्त होती है। सॉरी, फॉरेक्स की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन आपका कॉपी पे आप मुझे कॉपी कर सकते हैं मेरी ट्रेड को और एंजॉय कर सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। हालांकि हमारा आज का सब्जेक्ट है स्विंग ट्रेडिंग, तो स्विंग ट्रेडिंग की बात करेंगे। लिस्ट बहुत लंबी है, टेक सॉल्यूशन बड़ी हिट लगा चुका है, डेन बड़ी हिट लगा चुका है, बिरला मनी ने तो धूम मचा दी है, 50 के पास से हम इसको ट्रेड में लिए थे, आपने एंजॉय किया हुआ है, अकेला ही वो 20% गलत हुआ है। फ्यूचर कंज्यूमर एक ऐसा स्टॉक रह गया, मैं मानता हूं इस बात को, जो कि थोड़ा सा निराशाजनक रहा, थोड़ा सा रहा, ज्यादा नहीं, 9.25 के पास अभी भी ट्रेड कर रहा है और इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। हालांकि पोटेंशियल है इसमें डेफिनेटली, अभी भी इस स्टॉक में पोटेंशियल है जब तक ये 9+ बना हुआ है, ये जाना चाहिए 18 तक मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी तक फिलहाल इसने थोड़ा सा निराश किया। ग्लैक्सो शेयर ने क्या GPL बहुत जबरदस्त हिट दिया, कैरियर पॉइंट मतलब बहुत जबरदस्त हिट दिया, सेपको मतलब शानदार, आप बहुत सारे मैसेज आ रहे थे क्या स्टॉक है सेपको यार, लोअर सर्किट मार रहा है, लोअर सर्किट मार रहा है, अब वही लोग एंजॉय कर रहे होंगे, अब सब चुप बैठे हैं, अब कमेंट्स नहीं आ रहे इसके ऊपर। सबके पास 33 से सेपको मैंने दिया था, 42 टारगेट दिया था मैंने, और आप देख सकते हैं 40 के प्लस ये क्लोज है, बहुत बड़ी हिट है, 37 से 42 स्टॉप पहुंच गया। हालांकि अब बात करेंगे जो ऑन गोइंग ट्रेड है मेरी, HSCL है जो 55 के पास ट्रेड कर रहा है, इसको मैंने 58 59 के बिटवीन बाय किया था, डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन स्टॉक के अच्छा होने से कोई फायदा नहीं होता यार। मेरी ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है ये ऐसे नहीं है कि मैं इसको 10-15 साल तक एक साथ पकड़ के बैठा रहा हूँ, वेट करता हूँ कि 10% बढ़ जाए, नहीं, जो मैं स्टॉक्स चूज करता हूँ आई सपोज टू From the stock, that stock must hit 10% 20% in few days. But HSCL में ऐसा नहीं हो रहा है, HSCL इसी लेवल के पास कहीं ना कहीं ट्रेड करता रह गया। तो भैया सीधी सीधी कहना सुखी रहना, मैं HSCL में एग्जिट बना रहा हूँ, 55 से 56 के बिटवीन में इसको एग्जिट कर दूंगा, तो मेरा लॉस होगा पहली बार 3 पॉइंट का, और जो कि माइनर लॉस है। मैंने पहले भी आपको बताया था कंटिन्यूसली प्रॉफिट डेफिनेटली नहीं आ सकता, कहीं ना कहीं आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है, लेकिन ये माइनर लॉस है। हालांकि अगर फिर अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म पे हम जा सकते हैं इसको, 80-90 जल्दी मिल जाएगा आप लोगों को, लेकिन वेट नहीं करना है मुझे, मुझे दूसरा अच्छा स्टॉक मिल गया जिसमें ज्यादा पोटेंशियल है, जो मुझे ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है, तो मैं उस स्टॉक की तरफ जा रहा हूँ, और वो स्टॉक है हैथवे केबल ब्रॉडबैंड सब कुछ, और बहुत ही शानदार इस स्टॉक्स ने अपकमिंग डेज में ब्रेकआउट दिया है, इतना अच्छा वॉल्यूम डेवलप किया है, शार्पली ब्रेकआउट ये मुझे लगता है दे सकता है, तो हैथवे पे मेरी नजर है। चलिए हैथवे का चार्ट लगा लेते हैं, पहले पहले इसकी एंट्री और एग्जिट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसकी चार्टिंग की तरफ चलेंगे। सो हैथवे की बात की जाए अगर, तो एंट्री हालांकि 27 से 28 के बिटवीन बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा सस्पिशियस मोड में, पता नहीं 16 के ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, तो इस चीज को मैं अपने ध्यान में मद्देनजर रखते हुए मैंने ये सोचा है कि 28.80 और 29 जब ये मेंटेन करेगा हैथवे, तभी मैं इस स्टॉक में एंट्री करने वाला हूं, और एक शानदार ब्रेकआउट की स्थिति इसमें आ चुकी है। एग्जिट पॉइंट्स मैं बता देता हूं आपको, यूजुअली हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहता है 10% का रहता है, तो 30 से एग्जिट पॉइंट्स इसका बन जाएगा 31-32 के पास में, लेकिन क्योंकि स्टॉक्स बहुत ज्यादा पोटेंशियल मुझे दिखाई दे रहा है, मेरा पहला एग्जिट पॉइंट रहेगा 36। आप सोच सकते हैं कितने ज्यादा पॉइंट्स हो जाएंगे अगर आप 29 से कैलकुलेट करेंगे, तो ऑलमोस्ट 7 पॉइंट हो जाएंगे, मतलब कि 25% रिटर्न पे मैं स्टॉक को निकालने जा रहा हूं। सेकेंड टारगेट है, आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन हाँ सेकेंड टारगेट यही है, ये 55 लगाने वाला है दोस्तों, और बहुत जल्दी लगाने वाला है, आप इसका ना स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, थोड़ा इधर हो जाता हूँ, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हाथ पे बहुत जल्दी 45 लगाने वाला है, इसको अपनी वॉचलिस्ट में रखिएगा। चलिए अभी चर्चा कर लेते हैं हैथवे के वन डे के फ्रेम पे कि क्या कंडीशंस ऐसी हैं कि मैंने हैथवे को चूज किया है अपसाइड जाने के लिए। ये मैं कुछ इसके पॉइंट्स कनेक्ट किया हूँ ट्रेंड लाइन के साथ से, हमेशा इन पॉइंट्स के पास से हैथवे ने ब्रेकडाउन दिखाया है सिमिलर ब्रेकडाउन दिखाया, लेकिन अब की बात देखिएगा क्या चेंजेस आ रहे हैं। टच करने के बाद काफी नीचे तक हम जा रहे थे, काफी नीचे तक मतलब काफी अच्छे ब्रेकडाउन हम दिखा रहे थे, अभी क्या हो गया है, ब्रेकडाउन की फ्रिक्वेंसी कम हो गई है, मतलब
सिंपल है, लाइन को टच करके हम तेजी से नीचे गिर रहे हैं, लेकिन दोबारा उस लाइन के पास पहुंचने में हम टाइम लगा रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, हम एकदम से ड्रॉप करके एकदम से उस लाइन के पास पहुंच रहे हैं, छोटा सा ड्रॉप करके एकदम से उस लाइन के पास पहुंच रहे हैं। मतलब सिंपल कहा जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्शन कम होता जा रहा है, मतलब ट्रेन लाइन को ब्रेक करने के लिए उतावला हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है हैथवे, कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेजी से कम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या मैंने नोटिस की, जिससे मुझे लगा कि श्योर इस बार ब्रेकआउट हो जाना चाहिए, वो मैंने ये नोटिस किया, और शायद आपने भी नोटिस कर लिया होगा दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वॉल्यूम की। यहां पे देखिए वॉल्यूम बहुत अच्छा डेवलप किया था हैथवे ने, ट्रेन लाइन के पास जाके ब्रेक डाउन दिया। तो सपोज कर सकते थे कि ब्रेक डाउन बड़ा हो सकता था जैसे प्रीवियसली हुआ है, लेकिन इस बार ब्रेक डाउन बहुत छोटा सा हुआ और 50 SMA के ऊपर हमने सपोर्ट बना लिया, ठीक है, हल्का हल्का वॉल्यूम ड्रॉप होते हो गया। अभी वॉल्यूम सर्ज हुआ है, आप देख रहे हैं, जबरदस्त है ना, देखिए, अभी वॉल्यूम सर्ज हुआ है और ब्रेकडाउन के ऑलमोस्ट, ब्रेकआउट के ऑलमोस्ट पॉइंट पे हूं, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ में मैं ब्रेकआउट के पॉइंट पे हूं। सिमिलरली और इतना अच्छा, मतलब किस्मत कही है या फिर मतलब इतना अंदर से फीलिंग आ रही है, 200 SMA के सपोर्ट के पास, रेसिस्टेंस जोन एज वेल एज सपोर्ट जोन के पास मैं आ गया हूं। जैसे मैं इसको ब्रेकआउट कर जाऊंगा 20 प्लस आ जाऊंगा, मेरे पास हो जाएगी दोहरी कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन, मतलब एक तो बहुत ही मेजर ट्रेंड लाइन जो कि सालों से सदियों से चली आ रही है, मैं उसको ब्रेकआउट कर दूंगा, 200 SMA के सपोर्ट को मैं ब्रेकआउट कर दूंगा, और सबसे बड़ी बात ये देखिए स्टॉक डिमांड जोन के अंदर है, ठीक है, पीछे का बैकग्राउंड ग्रीन है, स्टॉक डिमांड जोन के अंदर है, जबरदस्त तरीके से ब्रेकआउट करने जा रहा है, तो एटलीस्ट सप्लाई जोन के टॉप तक तो जाएगा, तो 36 तो नॉर्मली वैसे ही जाएंगे दोस्तों। और ब्रेकआउट किया इस, मैं थोड़ा सा और आपको जूम करके दिखा दूंगा, ये लेवल मेंटेन किया 42-44, बहुत इजीली आपको हैथवेज में मिलने वाला है। और एमएसईडी इंडिकेटर्स की तरफ चलें, फुल टू बाइंग इंडिकेशन देता हुआ आप देख सकते हैं हिस्टोग्राम डेवलप होना शुरू हुआ है, विड्स बढ़नी शुरू हो गई है। स्टोकैस्टिक की तरफ चलें तो आप कहेंगे कि स्टोकैस्टिक तो आपको ओवरबॉट सिग्नल दे रहा है, नहीं, यहां थोड़ा सा गलती कर देते हैं स्टोकैस्टिक को समझने में, एक्चुअली वो बाइंग टेरिटरी में, ओवरबॉट टेरिटरी में शिफ्ट हो रहा है। जब तक स्टोकैस्टिक इस रेंज के अंदर ट्रेड करता रहेगा ना, ये आपको फ्लैट दिखाई देगा, यहां ट्रेड करता हुआ स्टॉक का प्राइस बढ़ता रहेगा, इस एक तरह से इसको डाइवर्जेंस कहा जा सकता है, लेकिन मैं इसको डाइवर्जेंस नहीं मानता क्योंकि वो डाइवर्जेंस नहीं होता है। सो बहुत अच्छी इंडिकेशंस, बहुत सारे पावरफुल पॉइंट्स हमारे साथ में। अभी थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम्स की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहूंगा, सो दैट पीछे के काफी सारे पॉइंट्स में कनेक्ट कर सकूं। सो ये है हमारा प्रीवियस पॉइंट्स की तरफ, वीकली टाइम फ्रेम की तरफ, इंडिकेटर्स की तरफ से जाऊंगा। सबसे पहले स्टोकैस्टिक की बात करूंगा, सेम बहुत अच्छे ओवरबॉट जोन में स्टोकैस्टिक है। प्रीवियसली देखिएगा, देखिए गौर से देखिएगा, प्रीवियसली जब ओवरबॉट लाइन को ब्रेकआउट किए थे हमने, स्टोकैस्टिक रैली कर गया था, सॉरी हैथवेज रैली कर गया था। सेम कंडीशन अभी यहां भी दिखाई दे रही है, यहां पे आ सकते हैं, लेकिन हम पहले ब्रेकडाउन दे चुके थे यहां पे, हम उसके 80 के लेवल के बारे में ट्रेड नहीं किया था। सिमिलैरिटीज फिर से देखने के लिए मिली है, जब हमने प्रीवियसली स्टोकैस्टिक्स के साथ में ओवरबॉट जोन में ट्रैवल करना शुरू किया था, स्टॉक कंटिन्यूअसली बहुत अच्छा ट्रैवल किया था, मतलब स्टॉप लॉस का कोई चांस ही नहीं था, 20 से एकदम 15 के लेवल से हम 28 के लेवल तक गए थे। हर बार आपको सिमिलैरिटीज देखने के लिए मिलेंगी, कि जब भी इस जोन में स्टॉक एक्टिव आया है, स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एंड माइनर सा कप एंड हैंडल कह सकते हैं, बहुत माइनर सा कप एंड हैंडल है, मतलब सेम ट्रेंड लाइन का जो फॉलो अप है, मैं वीकली फ्रेम में दिखाऊंगा आपको, तो सेम दिखाई देगा, मतलब एकदम से टच करके नीचे की तरफ आए, शार्पली लाइन के पास ट्रेड करना हमने शुरू कर दिया। तो जैसे ही प्याला भरता है, अच्छा ब्रेकआउट आपको यहां से देखने के लिए मिल सकता है, एंड शानदार जबरदस्त बुलिशनेस है एमएसईडी में भी। तो भैया सारी चीजें जो है, सारी कंडीशन जो है फुलफिल है और पास है मेरी तरफ से 45 जाने के लिए, ठीक है, स्टैंप लगा लेते हैं इस पे, जीसी का राउंडर वाला, ये लग गया स्टैंप। तो भैया 29 के ऊपर हैथवे जाएगा, 45 तक ट्रैवल करेगा, जबरदस्त डिमांड जोन में ट्रेड कर रहा है, शानदार वॉल्यूम डेवलप किया है, एमएसईडी स्टॉक एस्टेट ट्रेंड लाइन सब कुछ फेवरेबल है, और अगस्त में इसका रिजल्ट भी है, तो वॉल्यूम बहुत अच्छा डेवलप किया, सारी चीजें फेवरेबल से, मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे 29 तक निकला, तो
देखिएगा कैसे 45 तक जाता है। तो इसके लिए देखने के लिए आपको जरूरत है कि आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखें। जब तक आप अपनी वॉच लिस्ट में इसको नहीं रखेंगे आप देख नहीं पाएंगे। तो इसको अपनी वॉचेस में रखिएगा, अपने दोस्तों के शेयर कीजिएगा, उनको भी बोलिएगा देख भाई जीटी से स्टॉक देख के हम अपनी वॉचेस में रखना, देख कैसे 45 जा रहा है, ठीक है। फिर अपने दोस्त को बोलेगा वो तीन लोगों को शेयर करे, और ऐसे ही आप तीन तीन लोगों को शेयर करते रहिएगा, और अच्छे अच्छे स्टॉक्स में आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई एम श्योर आप इंजॉय करने जा रहे हैं हैचवेस को गेम चेंजर्स के साथ में। थैंक यू सो मच वंस अगेन दोस्तों, एंड आई विश यू वेरी हैप्पी अपकमिंग वीक, प्रॉफिटेबल वीक। थैंक यू वंस अगेन।